जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले ते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आशा करते हैं दोपहर में विश्राम थोड़ा बहुत आप सब ने कर लिया होगा। आज हम चर्चा करेंगे उन स्थानों के बारे में जहाँ हम कल जाने वाले हैं। जब सुबह यहाँ से निकलेंगे विजयवाड़ा की ओर तो हम रुकेंगे एक स्थान में जिसका नाम है रियाली। वहाँ पे शायद कथा करने के लिए अवसर मिले समय मिले पता नहीं, इसलिए आज ही कर रहे हैं। और स्थान में पहुंचने के पहले यदि कोई हम कुछ बातें सुनते हैं तो दर्शन लेते समय
हम वो याद कर सकते हैं कि हमने क्या सुना था। तो रियाली में एक बहुत ही विशेष मंदिर है जो आमतौर से हम लोग देखते नहीं हैं, श्री राम के मंदिर, श्री कृष्ण के मंदिर, भगवान के अन्य मंदिर जैसे नरसिंह देव, वराहदेव, ये तो हम देखते हैं, परंतु ये एक मंदिर है मोहिनी अवतार का। मोहिनी अवतार के बारे में आपने सुना है अवश्य, और वहाँ दर्शन करके फिर हम आगे चले जाएंगे और आगे जहाँ पे अंतर्वेदी नाम का स्थान है, वहाँ पे भी एक प्राचीन नरसिंह देव का मंदिर है। तो वहाँ दर्शन करके प्रसाद आदि लेके फिर आगे चलेंगे, शाम या रात को हम विजयवाड़ा पहुँच जाएंगे, और फिर परसों दिन हम सुबह मंगलगिरी जाएंगे। जैसे सिंहाचलम है वैसे मंगलगिरी भी है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही विख्यात एक नरसिंह देव भगवान की मूर्ति है, उसके बारे में हम कल या परसों सुनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियाली की, मोहिनी देव, मोहिनी देवी, मोहिनी अवतार का मंदिर। अब संक्षेप में श्रीमद् भागवत में जो कथा है मोहिनी देवी के बारे में, इसे कहना उचित होगा। इस समय आपको याद होगा कि जब देवता देवगण और असुरगण समुद्र मंथन करना चाह रहे थे अमृत निकालने के लिए, तो बहुत प्रयास उनको करना पड़ा। दो दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान कूर्मदेव भगवान ने तीन रूप धारण किए उस लीला में। कूर्मदेव का रूप मंदर पर्वत को आधार प्रदान करने के लिए, फिर ऊपर अजित देव के रूप में पहाड़ को संतुलित रखने के लिए, और फिर मोहिनी मूर्ति। तो मोहिनी मूर्ति क्यों प्रकट हुई? अब हुआ ये, जैसे जैसे समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, अनेक वस्तुएं और व्यक्ति भी उत्पन्न हुए उस मंथन से। ये कथा तो काफ़ी लंबी है और पूरी तरह से हमारे आज के विषय से संबंधित नहीं है, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु एक के बाद एक ऐसे चीज़ें आईं, थोड़ी चीज़ें देवताओं ने लिए, थोड़ी चीज़ें असुरों ने लिए। लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, तो विष्णु भगवान की वो पत्नी बन गई, असुरों को बहुत बुरा लगा कि हमारे पास नहीं आई, और उस समय धन्वंतरी समुद्र से उत्पन्न हुए। जैसा आप सबको पता होगा, धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान है, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान स्थापित किया सारे ब्रह्मांड के भीतर। इसलिए जितने भी प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार केंद्र वगैरह हैं, उनमें आप देखेंगे कि धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य पाई जाएगी। तो धन्वंतरी प्रकट हुए उस समुद्र मंथन से, और उनके हाथ में एक कुंभ था, और उस कुंभ में अमृत भरा था, जिस अमृत के लिए ये समुद्र मंथन हो रहा था। तो जैसे ही असुरों ने देखा कि ये अमृत का कुंभ है, तो वो टूट पड़े धन्वंतरी के ऊपर, और धन्वंतरी के हाथों से वो कुंभ अमृत का छीन लिया। अब सारे देवता बहुत ही हताश हो गए, बहुत ही दुखी हो गए, और वो गए विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ज़रूर कुछ न कुछ उपाय निकालूंगा। आपको पता है कि देवतागण तो भगवान के भक्त होते हैं, असुर वो होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं। कभी कभी देवतागण भी ऐसे गलत काम कर बैठते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर भी भक्त लोग कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, तो देवलोक के निवासी भी करते हैं। तो कभी कभी हमारे भक्त लोग यहाँ कुछ कर देते हैं, तो ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत काम करने चाहिए या गलत काम करें तो हम कहें कि भाई ठीक है ना, देवगण भी करते हैं तो हमने भी किया तो क्या हुआ। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कहने का मतलब है कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना इतना आसान नहीं है। जो देवता वो होते हैं जो भगवान के भक्त हैं और कभी कभी पथभ्रष्ट हो भी जाते हैं, परंतु जब उनके होश ठिकाने आ जाते हैं तो भगवान के शरण में पुनः आ जाते हैं। कभी कभी घमंड आ जाता है, कभी कोई और वहम उनके मन में आ जाता है, परंतु जब कठिनाई आती है तो उन्हें पता होता है कि किन के पास हमें जाना है, तो भगवान विष्णु के शरण ग्रहण करते हैं वो। परंतु असुर जो हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अपने बल में, बुद्धि में इत्यादि ऐसे चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो कठिनाई जब होती है तो भगवान का सहारा नहीं लेते हैं, वो अपने बल से ही सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो जब असुरों ने अपने बल से अमृत को छीन लिया तो देवता सारे गए विष्णु के पास कि कुछ कीजिए, हमने भी इतना परिश्रम किया और देखिए अब क्या हो गया। तो विष्णु ने कहा कोई बात नहीं। तो उस समय विष्णु ने एक बहुत ही अद्भुत रूप धारण किया, न भूतो न भविष्यति। जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सारे पुरुष रूप में हैं, भले वो किसी पशु योनि में भी हो लेकिन पुरुष, जैसे नरसिंह, सिंहनी नहीं सिंह। लेकिन ये पहली बार भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया और मोहिनी मूर्ति बने। वैसे भगवान श्री कृष्ण हैं सर्व आकर्षक, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। तो पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं भगवान। भगवान जो भी रूप धारण करते हैं वो भगवान ही रहते हैं, इसलिए हर अवतार में बहुत ही आकर्षक रहते हैं। तो जब स्वाभाविक है कि जब वो एक महिला का रूप धारण करें तो वो उनका सौंदर्य अपार होगा, अतुलनीय होगा, और ऐसे ही हुआ। इतना सुंदर रूप लेके मोहिनी अवतार के रूप में जब भगवान प्रकट हुए असुरों के सामने तो वो बिल्कुल डावाडोल हो गए। वैसे भगवान आए तो थे वहाँ, यदि विष्णु के रूप में आते तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अब मोहिनी के रूप में जब आए, अर्थात जो मोह में डालने वाली हैं मोहिनी, तो मोहिनी के रूप में जब आए तो वास्तव में मोह में पड़ गए सारे असुर। और मोहिनी अवतार ने बड़े मीठे शब्दों में इस तरह से बात की कि ये सारे असुर जो हैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे सब। ऐसे होता है कभी कभी। तो सारे असुर चुपचाप सुनने लगे, इतने मोहित हो गए सब अब इस नए महिला को चाहते थे, और वो कुछ ऐसे कहना नहीं चाहते थे या करना नहीं चाहते थे जिससे कि ये जो महिला है कोई नई देवी है वो उनसे नाराज़ हो जाए। तो सभी लोग चाहते थे कि ये जो देवी है मेरे बारे में अच्छा ही सोचे, मैं यदि कुछ ऐसे कह दूंगा, कर दूंगा, मेरे बारे में बुरा सोचेगी तो फिर मैं इनको नहीं पाऊंगा बाद में। तो इतने मीठे शब्दों से वो कहने लगी कि सबके ऊपर एक मोह का जाल फैला दिया। सारे असुर मानो कि यदि मोहिनी देवी कहती यहाँ है ले लो यहाँ से, तो वो यहाँ से भी वो चाट लेते, ऐसे कर दिया उनकी दशा हो गई। तो मोहिनी मूर्ति ने बहुत मीठे ढंग से कहा कि देखिए आप सब आपस में इतनी तरह से ऐसे क्यों झगड़ रहे हो, जैसे ही अमृत को छीन लिया धन्वंतरी से असुरों ने, आपस में झगड़ने लगे। आखिर असुरों का यही मतलब है ना, दुनिया में ऐसे झगड़े होते क्यों हैं, असुरों के बीच में ही तो होते हैं। कभी कभी असुर और देवताओं के बीच में होते हैं
और जब देवता नहीं होते हैं तो आपस में असुर लोग ही झगड़ने लगते हैं। एक संत ने कहा है, बहुत ही श्रवण करने लायक बात है, कि असुरों का होना भौतिक जगत में अच्छा है। क्यों? क्योंकि देवताओं को जो है वो सीमा के भीतर रखते हैं। असुर नहीं होते तो देवता ही शायद असुर बन जाते। अभी असुरों के डर से कम भगवान का आश्रय लेते हैं। तो हम भी यहाँ भौतिक जगत में रहते हैं, इस पृथ्वी लोक पे, और भक्तों की संख्या कम है, तो इसलिए हमें एकजुट होकर रहना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम हैं। बाहर की दुनिया में कितने सारे असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको भगवत भक्ति में कोई रुचि नहीं है, जो किसी न किसी तरह से भगवान के विरोध में काम करते हैं, भक्तों के विरोध में काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो यदि सभी लोग भक्त हो जाते तो क्या हम लोग भी अच्छी तरह से भक्ति कर सकते थे? ये पता नहीं, हो सकता है, परंतु हैं, इसलिए हम लोग एकजुट हो जाते हैं। चलो, हमें युद्ध करना है माया के विरुद्ध। तो खैर, ये असुर लोग भी आपस में झगड़ने लगे थे। असुरों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे। जब वसुदेव और देवकी उनके विवाह के बाद अपने नए घर में जा रहे थे, वसुदेव के घर में, तो कंस, जैसा कि आपको पता है, वो ले जा रहा था उनको, और आकाशवाणी के कारण अचानक कंस का मन कैसे बदल गया। अपने ही बहन के बालों को पकड़े, तलवार उठाया, उसकी हत्या करने वाले था, परंतु किसी न किसी तरह से वसुदेव ने परिस्थिति को बचा लिया। और जब वसुदेव ने कहा कि देखो, मेरा आठवां पुत्र आपकी हत्या का कारण बनेगा, ऐसे आकाशवाणी है ना, तो अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी संतान की उत्पत्ति हुई नहीं है, तो जैसे ही संतान उत्पन्न होंगे मैं अवश्य उनको आपके हवाले कर दूंगा। तो कंस जानता था कि वसुदेव एक भक्त हैं, दैवी संपदा से युक्त है। दैवी संपदा अर्थात दैवी प्रकृति के गुण देवताओं जैसे हैं, इसलिए वो सत्यवचनी है, झूठ नहीं बोलेगा कभी वसुदेव, इतना भरोसा था। असुर लोग भी देवताओं के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देवताओं के गुण ऐसे होते हैं। इसलिए जब नारद मुनि असुरों के पास भी जाते हैं, वो लोग भी उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। तो खैर, कंस को विश्वास था वसुदेव के ऊपर, क्योंकि वसुदेव भक्त थे, परंतु वसुदेव को कंस के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कंस असुर था, और वसुदेव जानते थे कि आज कुछ वो कह रहे हैं, कल कुछ उल्टा ही कह देंगे, कर देंगे, और ऐसे ही हुआ बाद में चल के। तो असुरों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। मनोरथे नास्ति धावतो बही। जब हमारे मन के रथ के ऊपर सवार होकर हम यहाँ वहाँ जाते हैं, तो कैसे स्थिरता आएगी हमारे जीवन में? तो खैर, जब ये अमृत मिला, और असुरी प्रवृत्ति ये होती है कि सबसे पहले मुझे इंद्र तृप्ति मिलनी चाहिए, सब कुछ अच्छा मेरे लिए पहले होना चाहिए, स्वार्थ, घमंड, लोभ आदि तो बहुत प्रधान होते हैं उनके चरित्र में, तो आपस में झगड़ने लगे बुरी तरह से। तो इस झगड़े का लाभ उठाया मोहिनी अवतार ने। तो मोहिनी देवी आई और कहने लगी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको ये अमृत बांट के दूंगी इस तरह से, ताकि आप सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। कभी कभी जब आपस में झगड़े होते हैं तो कोई तीसरे व्यक्ति को आना पड़ता है बीच में सुलझाने के लिए, है ना, और वो कहता है कि देखिए, मैं पक्षपात नहीं करूँगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। तो इस दोनों पक्ष मान लेते हैं, फिर वो मध्यस्थ में आके कुछ कर लेते हैं समझौता। तो उसी तरह से मोहिनी देवी ने कहा, आप मुझे ये अमृत दे दीजिए और मैं अच्छी तरह से सबके बीच में बांट दूंगी, लेकिन मेरा शर्त ये है
कि आप बिल्कुल मेरी बातों को मना नहीं करोगे, मेरा विरोध नहीं करोगे, मंजूर है? तो ना बोलने का साहस तो किसी को था ही नहीं। जब मोहिनी देवी सामने हैं तो हाँ 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 कह दिया सबने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहिनी अवतार ने फिर वो कुंभ ले लिया और सबको बिठाया उन्होंने भोजन के लिए। जैसे पंक्तियाँ बनती हैं ना, तो उनको पंक्तियों में बिठा दिया और धीरे धीरे अमृत का वितरण करने लगी। पहले जाके देवताओं को दे दिया और सारा जो सारे अमृत का कुंभ वहीं पे खाली करने वाली थी। उस समय एक असुर था राहु, वो नहीं राहु या केतु, कौन था? राहु। तो वो झट करके यहाँ पे वो समझ पाया कि क्या हो रहा है, ये छल हो रहा है, तो जल्दी से इस देवताओं के पक्ष में आके बैठा और उसे भी मिल गया। और उस समय मोहिनी देवी को पता चला कि ये असुर है, यहाँ पे गलत पंक्ति में आके बैठा है। तो अपने सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन काट दिया, परंतु तब तक अमृत तो चले गया था अंदर, इसलिए सर कटे हुए भी उनका शरीर जो है राहु का वो जीवित था, लेकिन बाकी असुरों को नहीं मिला। तो देवताओं को उन्होंने सारे अमृत का बंटवारा उनके बीच में कर दिया और इस तरह से देवताओं की रक्षा की। मोहिनी अवतार जानते थे कि यदि असुरों में दिया तो असुरों का जो उत्पात का कार्य है ब्रह्मांड में, वो तो और भी बढ़ जाता। तो ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान को ऐसे अवतार स्वीकार करना पड़ा। तो ये संक्षेप में वर्णन है मोहिनी अवतार का, ये श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंध में पाया जाता है ये वर्णन। तो उधर शिवजी के कानों तक ये खबर पहुंची, शिव अरे भगवान विष्णु ने ऐसा अवतार लिया है, एक महिला का अवतार, वो भी इतने सुंदर, मोहिनी अवतार हमने सुना है। तो उन्होंने देखा मुझे भी देखना है, दर्शन करना है ऐसे रूप का। तो अपने पत्नी को लेकर गए पार्वती देवी को, और साथ में उनके भूत गण आदि जो होते हैं उनके पार्षद, उनको भी लेकर गए साथ में। तो सीधे भगवान के पास गए वैकुंठ में, कहने लगे कि बहुत प्रशंसा की उनकी, स्तुति की। जब भगवान के सामने कोई जाते हैं कुछ मांगने के लिए भी जाते हैं तो सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान की स्तुति की और फिर बाद में अपनी मनोकामना सामने रखी। उन्होंने कहा कि मैंने आपके सारे अवतारों का दर्शन किया है। शिवजी ने तो सब कुछ देखा है ना, जो ब्रह्मांड के भीतर होता है सब जानते हैं शिवजी, वो भी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चाहे वो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, जितने भी सारे अवतार हैं उन सब का दर्शन शिवजी ने अच्छी तरह से किया। परंतु कहने लगे ये अवतार ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मैंने इनका दर्शन, आपका दर्शन इस रूप में कभी नहीं देखा है, तो कृपया मुझे इस रूप को भी दर्शाइए। तो भगवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रभुपाद जी कहते थे हल्की मुस्कान से भगवान इशारा करने जा रहे थे कि ठीक है शिव जी, आप मेरे इतने महान भक्त हो, आपकी बात को मैं कैसे मना कर सकता हूँ, परंतु देखो जब मैं ये रूप प्रकट करूँगा तो उसके बाद में जो होगा मुझे फिर कुछ आरोप उस पर नहीं लगाना, उसके बाद क्या होगा मेरे हाथ में नहीं है, ये फिर है उनके हाथ में ही है, हाँ उनके हाथ से बाहर क्या है। तो कहने लगे फिर मुझे फिर नहीं कहना कुछ। तो ये उनके हल्की मुस्कान का तात्पर्य था, हालांकि शब्दों में ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने, शिव जी को समझ लेना चाहिए था परंतु नहीं समझे। और इसका कारण ये है कि शिवजी को एक निमित्त बनाना चाहते थे भगवान, एक ऐसा संदेश सारे जगत को देने के लिए कि शिवजी जैसे महान वैष्णव, शिवजी जैसे एक गुण अवतार भी कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। शिवजी भ्रमित हुए परंतु महामाया से नहीं,
महामाया तो उनकी पत्नी है दुर्गा देवी। तो फिर भगवान उसी स्थान से अदृश्य हो गए। शिवजी और पार्वती देवी यहाँ वहाँ देख रहे थे, कहाँ है, कहाँ क्या, कहाँ गायब हो गए भगवान। और थोड़ी दूर में शिवजी ने देखा कि बहुत ही सुंदर महिला वहाँ पे है और वह गेंद से खेल रही है। तो इतने आकर्षक और सुंदर महिलाओं को कभी भी अपने जीवन में शिवजी ने नहीं देखा था। यद्यपि उनकी पत्नी पार्वती देवी उनके पास थी और उनके सारे शिष्य आदि सब भूतगण आदि पिशाच प्रेत आदि सब उनके साथ में थे, तो वो वहाँ इस महिला के पास गए। वो महिला फिर वहाँ से उस स्थान को छोड़कर कहीं गई, दूर 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 भागती हुई गई। तो शिवजी उनके पीछे पीछे जाने लगे, क्योंकि ये तो भगवान है ना, ये महामाया शक्ति काम नहीं कर रही है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये भगवान की योगमाया शक्ति है। शिवजी इतने महान हैं, वो महामाया शक्ति के अधीन कभी नहीं होते हैं। तो भगवान की योगमाया शक्ति के द्वारा वो सारे संसार को दिखाना चाहते थे कि शिवजी कितने महान हैं। महामाया उनका स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु भगवान की योग माया शक्ति अवश्य विशेष है। तो जानबूझकर ये तो मोहिनी मूर्ति थी, यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगी तेजी से। और कहाँ गई, जहाँ पे साधुओं के आश्रम थे ना, वहाँ से गुजरते हुए गई, ताकि शिव जी पीछे पीछे आए और सारे साधु लोग देखें कि क्या हो रहा है, शिव जी कैसे पीछा कर रहे हैं मोहिनी मूर्ति का। तो सब जगह शिव जी जा रहे थे, उन्होंने परवाह नहीं की कि यहाँ कितने साधु बैठे हैं, संत बैठे हैं, वैरागी बैठे हैं, कम से कम इनके सामने तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई परवाह नहीं की। तो सीधे सीधे चलते रहे, भागते रहे, भागते रहे, आखिर उनके निकट आए और स्पर्श भी किया, उतने में अपने आप को छुड़वा लिया मोहिनी अवतार ने और आगे चली गई। तो उधर चली गई तो यहाँ पर शिवजी का वीर्य पतन हो गया और वापस चले आए। तो उधर जब सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि यहाँ पे फिर पृथ्वी लोक के ऊपर जो सोने के और चांदी के खान हैं उससे बने, फिर भगवान विष्णु के सामने आए, शिव भगवान विष्णु शिव जी के सामने आए। और शिव जी बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे, क्योंकि अब वो जान गए थे कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण कितने महान हैं। अपने पत्नी से कहने लगे, देखो हमारे प्रभु की शक्ति देखो, कि मुझे भी उन्होंने इस तरह भ्रमित कर दिया, तुम कभी मुझे नहीं भ्रमित कर सकती हो, परंतु उन्होंने कैसे कर दिया, कितने महान हैं मेरे प्रभु। तुम हमेशा पूछती थी ना हमको कि हम किसके ऊपर ध्यान करते हैं, इन्हीं के ऊपर हम ध्यान करते हैं, ये है हमारे आराध्य देव। तो शिव जी को गर्व हुआ कि उनके आराध्य देव इतने शक्तिशाली हैं और उनके गुण ऐसे हैं। तो भगवान ने जब शिव जी के इस भाव को देखा तो वो भी बहुत प्रसन्न हो गए शिव जी के ऊपर। तो इस तरह भगवान ने शिव जी की इच्छा पूरी की और ये एक बहुत ही अद्भुत रूप दर्शाया। ये भी एक योग माया का खेल था शिव जी के लिए। तो शिव जी के बारे में जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो मन में अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसे मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी के। यहाँ पे लोग ठीक है तीन गुणों के अधीन होते हैं, इसलिए साधारण ऐसे भौतिक कामनाओं के वश में आके तरह तरह की चीज़ें करते हैं। आए आए दिन कितनी बातें सुनने में आती हैं, बलात्कार ये वो बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ों के बारे में हम सुनते रहते हैं, परंतु शिव जी ऐसे नहीं हैं। शिव जी तो दिव्य हैं, सदैव दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं। और जब भी ऐसे कोई घटना होती है तो हमें जानना चाहिए कि ये योग माया के कारण हो रहा है, भगवान के दिव्य शक्ति के कारण हो रहा है। जिस महामाया के अधीन ये संसार के लोग हैं
वो महामाया के अधीन शिव जी नहीं आते हैं। तो इस तरह शिव जी हार गए, परंतु उस हार में उनको बड़ा आनंद आया कि हम भगवान के सामने हार गए। और भगवान बताना चाहते थे कि मेरे सिवाय और कोई भी शिवजी को भ्रम में नहीं डाल सकता है। तो खैर, ये मोहिनी अवतार की लीला है, संक्षेप में हमने बताया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में है। तो यहाँ पे रियाली में एक मंदिर है जिसका नाम है जगन मोहिनी केशव स्वामी मंदिर, और रियाली का मतलब है तेलुगु भाषा में जो गिर जाता है ना, यहाँ तेलुगु भाषी हैं कोई, गिरने, गिर जाए, जो गिर गया है उसको रियाली कहते हैं। तेलुगु भाषा हमें नहीं आती है लेकिन ऐसे हमने सुना है। तो ऐसे क्यों नाम पड़ा? जब शिव जी मोहिनी देवी का पीछा कर रहे थे तो मोहिनी देवी के बालों से एक फूल गिर गया नीचे, तो शिव जी ने फिर उस फूल को सूंघ लिया। तो जिस स्थान पे मोहिनी देवी का ये फूल गिर पड़ा वो है ये रियाली, गिर गया अर्थात जो मोहिनी देवी का फूल वहाँ गिरा, तो ये स्थान रियाली है। और वहाँ एक मूर्ति है, मोहिनी देवी की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति। परंतु अद्भुत बात है, देखिए, जब मोहिनी देवी जा रही थी, भाग रही थी, शिव जी उनका पीछा कर रहे थे, तो पीछे से क्या देख रहे थे? मोहिनी अवतार को देख रहे थे। तो ये मूर्ति जो इस मंदिर में है, जगन मोहिनी केशव स्वामी मंदिर, बहुत अद्भुत है। इसके दो रूप हैं, एक 5 फुट लंबाई के हैं शायद, और एक ही शालिग्राम शिला से बनी हुई है मूर्ति, परंतु पीछे से मोहिनी अवतार का रूप है और सामने से भगवान विष्णु का रूप है। तो सामने से दर्शन करेंगे तो विष्णु भगवान दिखते हैं, पीछे जाएंगे तो मोहिनी अवतार दिखती हैं। क्यों? क्योंकि पीछा कर रहे थे शिव जी, पीछे से तो वो मोहिनी को देख रहे थे, पर सामने आके देख, अरे ये तो विष्णु है। तो इस तरह से ये विग्रह है वहाँ का, ऐसे कभी विग्रह शायद ही कहीं होंगे। तो और वहाँ पे उनके चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में गंगा बहती हैं, ऐसे जल की धारा निकलती है वहाँ से, और उनके पार्षद भी आसपास में हैं वहाँ। तो जब ये जल की धारा भीतर भूमि से बहते हुए आती है, फिर उनके चरण कमलों में जो फूल आदि अर्पण किए होते हैं उनको भी गीला करते हैं, फिर ये फूलों को लेकर उसमें जो जल है ऐसे छिड़काते हैं, जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनको ये उनके चरणामृत मिल जाता है। तो ये रियाली का मंदिर है। ब्रह्मा जी ने क्या किया था कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी इस मंदिर के बिल्कुल सामने, उस लीला को याद करते हुए कि जब शिव जी ने उनका पीछा किया था मोहिनी अवतार का, तो बिल्कुल आमने सामने हैं। तो इस मंदिर में भी भगवान पश्चिम की ओर देख रहे हैं, यहाँ शिव जी पूर्व की ओर देख रहे हैं, आमने सामने हैं। शायद ऐसे ही एक ये दो मंदिर होंगे जहाँ पे आमने सामने भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर हैं। तो भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपने उस शिवलिंग को स्वयं बनवाया और अपने कमंडल से उन्होंने इसकी स्थापना की, जल आदि से धोया, अभिषेक आदि किया, इसलिए इनका नाम वहाँ है श्री उमा कमलन कमंडलेश्वरी देवी, उमा कमंडलेश्वर मंदिर शिव जी का मंदिर है। तो ये दोनों, इन दोनों मंदिरों का दर्शन हम करेंगे जब हम वहाँ पे जाएंगे। तो ये है रियाली मंदिर की कथा, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे रुकेंगे। तो अब शायद हमें जाना होगा ना, अंतर्वेदी की कथा कल करें फिर, हाँ कल करें अंतर्वेदी की कथा, ठीक है।
तो ये है रियाली मंदिर की कथा, जगन मोहिनी केशव स्वामी मंदिर, याद रखिए। पहली हम जाएंगे तो पीछे मोहिनी देवी, सामने से भगवान विष्णु आपको दिखाई पड़ेंगे। और अंतर्वेदी की कथा है, शायद हो सके तो रियाली मंदिर में यदि हमें समय मिले वहीं पे अंतर्वेदी की कथा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अभी हम लोग हरिनाम संकीर्तन के लिए जाएंगे। आप आना चाहते हैं राय हरिनाम संकीर्तन के लिए? ठीक है, अभी जाएंगे। हरे कृष्णा।